अब ये टाइगर भेड़ियों के सरदार की गर्दन को तोड़कर फेंक देता है सभी भेड़िए बहुत ज्यादा डरे हुए थे टाइगर ने इन भेड़ियों की जगह पर कब्जा कर लिया था वो कहता है कि ये तो तुम्हारे साथ होना था तुम सब ने बहुत बड़ी गलती करी उस लड़के को यहाँ से भेजकर। और यहाँ पर वही लड़का एक भैंस के ऊपर लेटा हुआ था वो भैंस चट्टान के किनारों से होकर गुजर रही थी तभी लड़के को होश आता है उसने देखा की वो चट्टान खिसक रही थी जिससे सभी भैंसे बौखलाने लगती है तभी लड़का वहाँ से नीचे कूद जाता है और पानी में जा गिरता है लड़के ने एक सूखी लकड़ी को पकड़ा हुआ था ये लड़का टाइगर से बच गया था अब वो लड़का उसी लकड़ी के सहारे एक दूसरे जंगल में पहुंच जाता है जो बेहद ही डरावना जंगल था रास्ते में लड़के को एक बड़े सांप की खाल मिलती है और आगे जाकर वो एक पेड़ पर फल देखता है लड़का उस फल को तोड़ लेता है और बैठ कर खाने लगता है तभी वहाँ पर एक छोटा सा जानवर आता है लड़का उस जानवर से बातें कर रहा था और उसे फल खाने के लिए देता है तभी वहाँ पर और भी जानवर आते हैं उसके फल को चुरा कर भागने लगते है लड़का उनका पीछा कर रहा था और वो एक सुनसान जगह पर पहुँच जाता है तभी वहाँ पर एक बड़ा सा सांप आता है उस सांप ने इस लड़के को बस में करके लपेट लिया था लड़के को कुछ भी होश नहीं था अब वो सांप उस लड़के को निकलने वाला था तभी वहाँ पर एक बड़ा जानवर आता है और लड़के को बचा